2.5 लाख देने पड़ेंगे अंकल आपको? बिल्कुल देने पड़ेंगे। कैश चेक? कैश बैंकों पे भरोसा नहीं करते। अच्छा, हेलो फूड वॉरियर्स, एक बार फिर से आ गए नए जायके की तलाश में। और अभी हम लोग जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, विश्वविद्यालय के पास। यहाँ पे जो है एक काफ़ी फेमस जो है भेलपूरी एक अंकल बनाते हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस हैं। तो उनकी भेलपूरी जो है हम भी टेस्ट करने वाले हैं और मेकिंग देखते हैं भाई, मेकिंग कैसे होने वाली है और क्या क्या मिलने वाला है, प्राइस क्या होने वाला है, और उनसे बातें भी करते हैं और रेसिपी जो है थोड़ी वो भी सीखेंगे एंड टेस्ट करके देखते हैं कि जो भेलपूरी है उसका टेस्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे यही अंकल हैं जो कि भेलपूरी बनाते हैं और वो भी 2.5 लाख वाली भेलपूरी जिसके अंदर के एक आइटम डलता है। अंकल जी का नाम है सुनील सेठी, सेठी नहीं सेठी। तो यहाँ पे ये अंकल जी की कार्ट है और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा सामान है इस कार्ट के ऊपर। और आपको देखने में लग रहा हो कि भेलपूरी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन अंकल जो है सिर्फ भेलपूरी बनाते हैं। भेलपूरी में आने वाला है सारा आइटम। तो चलिए देखते हैं मेकिंग इसकी भेलपूरी की कि अंकल कैसे बनाते हैं। आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मुरमुरा डाल रहे हैं। ये पापड़ी, पापड़ी, ये सेवियाँ, सेवियाँ, ये बूंदी, बूंदी आ गई, ये मूंगफली, ये कटे हुए प्याज, और ये हमारा मनपसंद हल्द्वानी का आलू। हल्द्वानी? हाँ, हम हल्द्वानी यूज करते हैं। अच्छा, मतलब भेलपूरी के अंदर आलू भी आता है? हाँ, वो सिर्फ हल्द्वानी का। अच्छा, पहाड़ी आलू। अंकल कब से लगा रहे हैं आप यहाँ? मुझे 37 साल हो गए। 37 साल से? ये कौन सी चटनी है? ये मिर्च वाली। अच्छा, ये मीठी। इस चटनी में क्या क्या डलता है अंकल, वो बताने के 2.5 लाख रुपए? अच्छा, 2.5 लाख जानने के लिए 2.5 लाख देने पड़ेंगे अंकल आपको? बिल्कुल देने पड़ेंगे। कैश चेक? कैश बैंकों पे भरोसा नहीं करते। अच्छा, टैक्स काट लेंगे हैं। ये नींबू कहाँ से लाए इतने, काफी हैवी है। हर 3 महीने बाद चेंज होता रहता है। अच्छा, कभी बनारस का हो, कभी बीजापुर का आता है। अच्छा, कभी कहीं का आता है, कभी मद्रास का आता है। टाइमिंग क्या है अंकल आपके? 1 से 7 1 से 7.5 यहाँ अंकल प्लेट में जो है सर्व कर रहे हैं। और भाई सर्व करते करते जो है अंकल ने प्लेट में पहाड़ सा बना दिया है, देख सकते हो। हमारी और अंकल आपकी एज क्या होगी? तुम्हें क्या रिश्ता करवाना? क्या होता? अच्छा अंकल जी, इधर की प्रॉपर लोकेशन बता सकते हैं? ये पटेल ट्रस्ट 4 नंबर गेट। अच्छा, और ये WUS हेल्थ सेंटर। इसी के पास यहाँ पे कार्ट लगती है अंकल जी की, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर। तो यहाँ पे अभी अपनी जो है अंकल जी की फेमस भेलपूरी जो है वो आ चुकी है मेरे हाथों में है, और अभी जो है इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, अंकल जी इसका प्राइस और बता दीजिए। इसका प्राइस बेटे 60 रुपये। 60 रुपये? तो यहाँ पे जो है भेलपूरी इसका प्राइस जो है 60 रुपये, 60 रुपीज़ में, और क्वांटिटी जो मैं कहूँगा वो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो अभी जो है टेस्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ चुकी है भेलपूरी, ठीक है, अंकल जी की जो फेमस भेलपूरी है वो आ चुकी है, अभी इसे टेस्ट करते हैं। भाई क्वांटिटी की बात करूँ तो भाई क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, 60 रुपीज़ के अंदर, और टेस्ट अब देखते हैं टेस्ट कैसा होने वाला। भाई इतनी सारी चीज़ें रेडी है और मतलब इतना मतलब प्योरली डाला गया है, बाकी अब जो है टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है,
तो ये कैसा था भाई, एकदम ओवरलोडेड कर दिया है अंकल ने यहाँ पे। सही साहब, ठीक है तो अभी जो है आते हैं देखते भाई। जो दाल वाली चटनी डाली है उसका टेस्ट कोई खट्टा मीठा आ रहा है, जैसे हम खट्टे मीठी वाली नमकीन खाते हैं ना, सेम ऐसा ही लग रहा है। और थोड़ा क्रिस्पी सा इमली वगैरह का फ्लेवर, और उसके साथ ये पापड़ी जो इसके अंदर डली है वो थोड़ा करारा फ्लेवर जो आ रहा है, क्रंची फ्लेवर आ रहा है। बाकी एक बाइट और भाई, जितने भी मटेरियल डले हैं ना आपको सोच समझ के डले, और सबका जो है उसका अलग फ्लेवर आ रहा है। और बाकी जो इसमें पापड़ी डली है अलग फ्लेवर, नींबू का अलग फ्लेवर, जो लाल वाली चटनी डली है ना भाई साहब ढाई लाख की सीधे वहाँ पे, उसका ही जो है सबसे ज़्यादा खट्टा मीठा वाला फ्लेवर है उस चटनी का आ रहा है, लाल वाली चटनी का मज़ा आ गया भाई। और जहाँ तक इसके प्राइस की बात है 60 रुपीज़, और उतने में मेरे को ये वर्थ लगता है, तो लंच के लिए हो गया काफ़ी बेस्ट है। और मतलब जैसे अगर आते आते इवनिंग के टाइम में भूख लग रही हो तो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट है। और अभी एक वाइट तो नहीं, मतलब गाड़ी पड़ी थी कभी जरूरत पड़ी नहीं, अभी कर रहे हैं ना हम वगैरह भाई। ऐसी भेल पूरी मैंने आज तक ट्राई नहीं करी, काफ़ी मज़ा आ गया। चलो आज की वीडियो में इतनी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे अगर दिल्ली विश्वविद्यालय आओ ठीक है, तो यहाँ पे आके एक बार ज़रूर टेस्ट करना अंकल के हाथों की भेल पूरी, एंड कॉमेंट करके बताना कि भाई जैसा मैंने खाया टेस्ट रहा वैसे ही आपको भी टेस्ट लगा या नहीं, या फिर आपको कैसा टेस्ट लगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।